अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बबलू सुलकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बबलू सुलकर फिशिंग। और स्वागत करता हूं आपका आज के और एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं पापलेट फिशिंग के लिए समंदर में। तो ये फिशिंग का एक ये है कि ये फिशिंग बहुत ही हार्ड है। ये फिशिंग जब समंदर स्टार्ट होता है, जब समंदर बहुत ही रफ होता है, तभी ये फिशिंग स्टार्ट होती है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक है समंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को शूट के लिए। और उसके बाद इसके लिए हम लोग को सुबह 4:30 बजे डेली उठना पड़ता है। फिर हम लोग आते हैं, 1.5 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं बोट से फिशिंग के लिए। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ये फिशिंग बताऊंगा। तो इंशाल्लाह करते हैं अपनी फिशिंग स्टार्ट से। देखो सुबह सुबह अपनी खाड़ी कितनी खूबसूरत दिखती है, तेरा समंदर दिखती है। और ये वो जगह है, वो छोटा सा पगार आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग ने अंडर वाटर कैंप की ज़बरदस्त वाली वीडियो बनाए थे। बस एक बोट है, बाकी वो सारे दिखते थे। ये देखो ये वो जगह है, अभी सनराइज भी होने को है। स्पीड की हम लोग को तो एक ही घंटा जाता है। फिर बारिश भी आ रही तो पहले अपना कैमरा वगैरह सेव कर लेते हैं, अपन रख देंगे बोट के या कोई हेली के अंदर, फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बारिश आगे चली गई है, बारिश आगे जाने तक हम लोग पहुंच चुके हैं इधर पर। देखो ये अपना दांडा ब्रिज है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट लोग की बोट ने पहले ही जाला डाल चुके हैं झींगे का। तो पहले पूछते हैं उनको क्या मिला है, फिर हम लोग फिशिंग करेंगे। तो नाइट लोग ने झींगे का ज़्यादा डाले थे, तो उन लोग को थोड़ी सी मछली और झींगे मिले हैं। तो ये है समंदर की शुरुआत। ये देखो ये बड़े बड़े लार्ड किले के हम लोग बाहर जाएंगे। सनराइज ना सही लेकिन धूप निकल चुकी है, अभी पूरा दिन धूप। देखो आसमान पे कहीं भी बादल नहीं है, तो बारिश की वो चली गई। तो ये जाला है पापलेट का जाला, ये पानी के सरफेस के ऊपर काम करता है। तो ये मोनोलाइन से बना हुआ है, 23 mm की लाइन यूज हुई है। MD शायद से 40 या 50 MD में रहेगा। तो हम लोग रॉक के करीब से जाएंगे ये जाला, वहाँ पर एक बोट है फिशिंग के लिए, भाई सारा कर रहा है थोड़ा दूर से। बस बिस्मिल्लाह कर रहा है अभी भाई साहब। तो अभी अपना जाला डाल के होने वाला है, बस थोड़ा ही बचा है। ये ख़त्म होते हैं हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पूछ के देखेंगे आपको पापलेट मिलती है कि नहीं। देखो हो गया, हम लोग आधा घंटा वेट किया अपने जाले की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अभी जा रहे हैं खींच के देखेंगे कि मतलब अपने को मिलती है क्या नहीं। अभी जाके खींचेंगे इंशाल्लाह, देखते क्या मिलता है। सामने जो बोया है वो अपनी जाले का है,
कट रहा है अभी भाई। देखते हैं अभी अपने को पहली मच्छी क्या आती है, कैसे नहीं किसमें पापलेट ही मिलेगी। इसमें बहुत सारी मच्छी मिलती है, पहली मच्छी पहली मछली देते हैं। सो पहले आई नहीं, पहले बांगड़ा है, उसके बाद आई पापलेट। ये देखो अपनी फर्स्ट पापलेट, बिस्मिल्लाह। तो इसको छुड़ा के लेते हैं, पहला हो गया। अब बांगड़ा है। देखो अदनान ने अभी एक और एक पापलेट उठाया पानी के अंदर से, और एक एक साथ दो। ये बघा कुरली पण भेटली। माशाल्लाह अभी पापलेट की लाइन लगी है, अच्छी खासी मच्छी आ रही है, पापलेट आ रही है, सुरमई बांगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अच्छी साइज है इसकी। फिर अपन बूढ़ी जी के अर्गी से ये देखो और एक जाते ताले उनको बाबा थोड़ा पवित्र हो गया थोड़ा पैसे वा बोला समझेल में गेर
इधर यहाँ कैसा बारे के नहीं डाल को ये छुड़ा के बताता हूँ। ये देखो अभी इतनी सारी पापड़ अपने पास काउंट हो चुकी है, अब आ गया और अपन बाकी है, देखते हैं इंशाल्लाह। बस अपना जाला अपनी रापन खींच के हो चुकी है, ये लास्ट एंडिंग है फ्रूट के साथ में, और आया एक बांगड़ा लास्ट में, कैसे हो चुकी है अपनी रापन खींच के। देखो जिंदा पापलेट, ये पापलेट की एक जात है, इसको भरड़ा बोलते हैं। हो गया अपने पास पापलेट और बांगड़ा वगैरह सब।
अभी भाई सारी पापलेट तो जाली के अंदर जमा कर रहा है। इसके भाई भाई ये देखो क्या बड़ी मस्त साइज की पापलेट है, देखो अलहमदिल्ला बढ़िया की तो हाफिस मिला तो शुरुआत की अच्छी खासी पापलेट हमको मिल गई।